हेलो स्टूडेंट, मैं ईशा भाटी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेंडर स्टडी ग्रुप में। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैंने पिछले क्लास में आप सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनके कुछ भेदों के बारे में बताया था, जिसमें कि मैंने नाउन को एक्सप्लेन किया था, और मैं आज की क्लास में प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो जानेंगे सबसे पहले कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन वह शब्द जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय, ही इज ऑनेस्ट। कहने का मतलब, राम एक लड़का है, वह ईमानदार है। सीता इज अ गर्ल, शी इज ब्यूटिफुल। सीता एक लड़की है, वह सुंदर है। देख रहे हैं यहाँ पे, राम इज अ बॉय, ही इज ऑनेस्ट। राम के बदले क्या आ रहा है, ही आ रहा है। सीता इज अ गर्ल, सी इज ऑनेस्ट। तो यहाँ सीता के जगह क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो अच्छे से आप लोग, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा हो। आई हैव अ पेन, इट इज रेड। मेरे पास एक कलम है, यह लाल है। सम इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन, आई, मी, माइन, वी, अस, आवर्स, योर, ही, हिम, सी, हर, हर्स, दे, देम, देयर्स, इट, एटसेट्रा। Some important pronoun है। Pronoun को दो भागों में बांटा गया है, singular pronoun and plural pronoun। तो मैं इसे next video में आप सभी को explain करके बताऊंगी। फिलहाल मैं समझा देती हूँ। I का plural होता है we, you का plural you ही होता है, ये हमेशा plural में ही रहता है। He, she, it, them अपुल्लर दे होता है। और नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव, मींस विशेषण। तो जानते हैं सबसे पहले कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, रेड, गुड, बैड, स्ट्रॉन्ग, एक्सेट्रा। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव दिए गए हैं। गुड, गुड का क्या होता है, बैड। बिग का स्मॉल, टॉल का शॉर्ट, ब्यूटीफुल अगली, हैप्पी शेड। आज की क्लास में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाली हूँ वर्ड के बारे में, वर्ड क्या है और कितने भेद हैं। मैं सारे कुछ डिटेल्स में बताऊंगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और एक कमेंट जरूर करना कि आप सभी को समझ में अच्छे से आ रहा है या नहीं।